ओके मैम। आज जो सा हमारा टॉपिक है वो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। हम लोगों ने पहले भी फर्स्ट ईयर में भी रैंक मालूम करने का तरीका देखा था कि रैंक किस तरह फाइंड किया जाता है। रैंक क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए, ठीक है, उसको अगर आप लोग रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, यानी उसके डायगनल एंट्री बना दे, डायगनल एंट्री में से जो नीचे वाली एंट्रीज होती है उनको जीरो कर देते हो, वो क्या होते हैं, रो एचलॉन फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास जो नॉन जीरो रोज होती हैं, जो सी मैट्रिक्स में जब हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स को रो एचलॉन फॉर्म में, ठीक है, जो मैट्रिक्स लास्ट में होता है उसमें जो नॉन जीरो रोज होती हैं वो हमारे पास क्या होता है, रैंक होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर उसकी यानी 3 रो और 3 कॉलम ही होंगे, अगर उसकी जो सी लास्ट वाली या कोई भी रो फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरी की पूरी जीरो हो जाए, सिर्फ 2 रोज रह जाए जिसके अंदर एंट्रीज मौजूद हो, कुछ जीरो भी हो सकती है, कुछ नंबरिंग भी हो, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो वो जो सी नॉन जीरो रोज होंगी वो हमारे पास क्या होगा, रैंक होगा। अगर एक रो पूरी कंप्लीट जीरो है, 2 रो है जो सी कंप्लीट जीरो नहीं है, तो हमारे पास रैंक क्या हो गया, 2। द डिमेंशंस ऑफ रो कॉलम स्पेस, यानी आप, क्योंकि हम लोगों ने अभी रो एचलॉन फॉर्म पढ़ा है, ठीक है, कॉलम हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है, तो अगर हम लोग या रो स्पेस कर लें या कॉलम स्पेस कर लें, मैंने असाइनमेंट में भी रो स्पेस और कॉलम स्पेस के क्वेश्चन कहा था कि सॉल्व करके दिखाने, तो आप लोगों ने असाइनमेंट भी सॉल्व किया है, तो आप लोगों को पता भी होगा रो स्पेस क्या होती है और कॉलम स्पेस क्या होती है। मैंने इसके बाद रो स्पेस और कॉलम स्पेस भी अटैच किया है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो अगर किसी को नकल मार के किसी ने असाइनमेंट सॉल्व की भी है, ठीक है। रो कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ठीक है, इज कॉल्ड द कॉलम रैंक ऑफ ए। सेकंड पार्ट क्या है कि बोथ रैंक ऑफ रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस आर इक्वल, कि अगर हम लोग रो स्पेस मालूम करें या कॉलम स्पेस मालूम करें उनका जो सा रैंक होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। एग्जाम्पल है डिटरमाइन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, इसको हम लोगों ने रिड्यूस किया है एचलॉन फॉर्म में, ये एचलॉन फॉर्म में, पता है आप लोगों को कि एचलॉन फॉर्म क्या बनती है, जो सी डायगनल एंट्रीज होती है उसके नीचे वाली जो सी टर्म्स होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। अगर हम लोग कॉलम स्पेस में से कहते हैं कि कॉलम जो से में से क्या रैंक है, ठीक है, कॉलम स्पेस में हम लोगों ने पिवोट कॉलम पिवोट लीडिंग पॉइंट पढ़े थे। पिवोट लीडिंग पॉइंट क्या होते हैं, जिसकी एंट्री क्या होती है, 1 होती है। जिसकी एंट्री क्या होती है, 1 या कोई भी नंबर होता है, मगर उसके जो सी टर्म्स क्या होती है, 0। जिस तरह हमारे पास ये है 2 है, उसके जो सी नीचे वाली सारी एंट्रीज है वो क्या है, 0। सेकंड रो में सेकंड वाली जो सी है वो पिवोट है, बाकी सारी क्या नीचे टर्म्स जो एंट्रीज है वो 0 है। फोर्थ में या थर्ड में यहाँ क्या हो गया है, 0, जबकि यहाँ क्या आती है, नंबरिंग आनी चाहिए। तो अगर हम लोग ये वाली कॉलम को और इस कॉलम को हम चेंज कर दें तो इसकी लीडिंग एंट्री ये बनेगी, ठीक है, और इसके टर्म नीचे 0 हो जाएगा। तो पिवोट कॉलम्स कौन कौन से होंगे, एक ये कॉलम है हमारे पास, एक ये कॉलम है और एक हमारे पास ये कॉलम है, 3 कॉलम है जो से पिवोट कॉलम के होते हैं।
ठीक है, तो फिर हम लोग रैंक क्या कहेंगे इसका, 3 है। जब भी कॉलम के लिए कहा जाएगा तो हम लोगों ने रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसमें जो से पिवोट कॉलम्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रैंक उसका होगा, ठीक है। थ्योरम है एक स्टेटमेंट, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इफ आर मैट्रिक्स ए हैज एन कॉलम्स, अगर हमारे पास एन कॉलम्स हो, ठीक है, देन रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी इज इक्वल टू ए, नलिटी ऑफ ए यहाँ आना था, यहाँ ए आना था, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास रैंक मौजूद हो, एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ऊपर एग्जाम्पल में रैंक हमारे पास मैट्रिक्स का आया था 3, अब हम लोगों का नियरिटी फाइंड करने हैं तो हमें वो नहीं पता कि किस तरह होगा। अगर हम लोग ये फार्मूला लगाएं तो हमारे पास नियरिटी फाइंड हो जाएगी। ये क्या होता है, रैंक ऑफ ए क्या हमारे पास है 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 5, ठीक है। तो नियरिटी फाइंड करना है तो 4 - 3 करेंगे तो हमारे पास नियरिटी क्या आ जाएगी, 5 - 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यूअलिटी इज इक्वल टू 2 आ जाएगी, है। ये मैंने साथ अटैच कर दिया है रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस के बारे में। रो स्पेस किस तरह फाइंड की जाती है कि हमारे पास मैट्रिक्स दिया जाता है, ठीक है, हम लोगों ने उसमें क्या करना होता है कि रिड्यूस एचनॉन फॉर्म लगानी होती है, जो सी हमारी रो नॉन जीरो रो होती है वो हमारे पास क्या होती है, रो स्पेस होती है, उसको बेसिस भी कहा जाता है। ये इसमें थोड़े से थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दी थी। कॉलम स्पेस क्या होती है, कॉलम स्पेस के बारे में ये था कि हमारे पास जो सा मैट्रिक्स दिया जाए उसको हम लोग रो एचनॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास जिसमें कॉलम पिवोट कॉलम्स होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, रो स्पेस हो, कॉलम स्पेस हो जाती जिसना। ये हमारे पास 3 कॉलम्स थे, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, कॉलम स्पेस होते हैं, और जो नॉन जीरो रो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रो स्पेस हो जाएगी। आगे हमारे पास है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि हमारे पास 2 वेक्टर स्पेस दिए जाते हैं, उनकी मैपिंग की जाती है, तो वो हमारे पास क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। लेट डब्ल्यू एंड वी बी वेक्टर स्पेस, यहाँ मैंने डब्ल्यू और वी लिया है, कुछ भी ले सकते हो, एंड अ फंक्शन एफ वी अप्रोच टू डब्ल्यू, के वी जो सा है वो अप्रोच करता है किसको, डब्ल्यू से, यानी वी की जो जितनी भी एंट्रीज होंगी वो डब्ल्यू में मैप की जाएंगी। इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ, जब हमारे पास 2 वेक्टर स्पेस हो उस पर फंक्शंस जो मैप कर रहा हो, तो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब कहा जाएगा जब हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होंगी। पहली कंडीशन हमारे पास है, पहले हमारे पास कंडीशन है एफ ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी, ठीक है, फॉर एवरी यू एंड वी इन वी, ठीक है। वी हमारे पास जो कैपिटल वी लिखा गया वो वेक्टर स्पेस है, और जो स्मॉल यू और वी है वो वेक्टर स्पेस में से ली गई है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या है कि स्केलर अगर किसी वेक्टर में से मल्टीप्लाई और उस पर फंक्शन मैप किया जाए तो वो हमारे पास क्या होगा कि सी एफ ऑफ यू, यहाँ मैंने सी लिया है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी यू इन बी, के जो हमारे पास यू है वो वेक्टर स्पेस में से लिया गया, और सी जो है वो कोई भी रियल नंबर है। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कहेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसा हम लोगों ने पिछली वैल्यू में भी वेक्टर्स में वेक्टर स्पेस की जब कंडीशन पड़ी थी कि अगर हमारे पास इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम लोग कहते हैं कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है, लीनियर सब स्पेस में भी हम लोगों ने किया था। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम ये कहेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अगर हमारे पास बी इज इक्वल टू डब्ल्यू, पिछली कंडीशन में हम लोगों ने क्या कहा था कि यू वी अप्रोच टू यू, अगर यू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाए देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
फंक्शन वी अप्रोच टू डब्ल्यू इज आल्सो कॉल्ड अ लीनियर ऑपरेटर ऑन वी. अगर वी और डब्ल्यू की जो सी एंट्रीज हैं या मैपिंग है वो इक्वल हो जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर ऑपरेटर ऑन वी. एग्जाम्पल है एम सर ऑफ एन मैट्रिक्स फंक्शंस आर ऑफ एन मल्टीप्लाई आर ऑफ एन. आर जो है वो रियल नंबर को डिनोट किया जाता है, आर किसको डिनोट किया जाता है, रियल नंबर से. और एम और एन डिफरेंट है, इट्स डिफाइंड बाय एफ ऑफ यू इज इक्वल टू ए ऑफ यू. नाउ वेरीफाइंग द प्रॉपर्टीज वन एंड टू. वन प्रॉपर्टीज क्या थी कि एफ ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी के इक्वल, ठीक है. और हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, एफ ऑफ सी यू इज इक्वल टू सी एफ ऑफ यू के इक्वल, ठीक है. अब हम लोगों को टू वेक्टर्स चाहिए. अब पहले हम लोग मैं पीछे करती हूँ, यू और वी जो से है वो किससे कर रहा है, बिलोंग कर रहा है वी से, ठीक है. वी अप्रोच टू डब्ल्यू, ठीक है. लोगों ने इसमें से भी जो हम लोगों ने वेक्टर लेने हैं वो आर ऑफ एन में से लेने हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी वो वी अप्रोच टू डब्ल्यू और यू और वी डब्ल्यू वो बिलोंग्स कर रहे थे वी से, ठीक है. इसी तरह हम लोगों ने वेक्टर जो से लेने हैं वो यू और वी बिलोंग्स वेक्टर लेने वो आर ऑफ एन से लेने, ये पावर में है आर एन जो से. पहले हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि एफ ऑफ यू प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ यू प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ बी के, ये प्रूव करना. हम लोगों ने ये चीज ली f of u plus v, जबकि ऊपर क्या दिया है कि f of u is equal to u plus u के इक्वल है, ठीक है. अब यहाँ अगर मैं ऊपर ही है कि u plus v ले रही हूँ तो यहाँ भी क्या लूंगी, u plus v, ठीक है, वो यहाँ लिख दिया है. अब इनको सेपरेट किया है f of a of u plus a of v के, तो ऊपर हमारे पास क्या a of u किसके इक्वल होता है, f of u के इक्वल. तो a of u की जगह f of u लिख दिया और प्लस f of v लिख दिया, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है. सेकेंड हमारे पास क्या था कि एफ ऑफ सी ऑफ यू इज इक्वल टू सी एफ ऑफ यू के इक्वल था ना, इसी तरह हम लोगों ने एफ ऑफ यू की जगह यानी ऊपर जो सा जो कंडीशन यहाँ दी जाती है हम लोगों ने उसी को यूज करना है. जो ये कंडीशन दी जाती है उसी को हम लोगों ने यूज करना होता है, ठीक है. अगर मैं यहाँ सी ऑफ यू ले रही हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी ऑफ यू, ठीक है. अगर मैं सेपरेट कर देती हूँ तो C कॉमन आ जाएगा और A ऑफ U आ जाएगा, ठीक है. और A ऑफ U ये किसके इक्वल था, F ऑफ U के, तो C F ऑफ U के इक्वल आ जाएगा. ये देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हमारे पास फंक्शंस गिवन है वो आर टू से आर टू में है, यानी पिछली फॉर्म क्या थी, आर ऑफ एन से आर ऑफ एम तक है, ठीक है. यानी एन और एम की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, यहाँ आर ऑफ टू से लेके आर ऑफ टू के यानी उसी में है. तो हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइंड है कि फंक्शंस यू वन यू टू इज इक्वल टू यू वन स्केयर टू यू टू के, ठीक है. पहली कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी, हम लोगों ने ये प्रूव करना है. लेफ्ट हैंड साइड ली,
लेफ्ट हैंड साइड क्या आया हमारे पास, एफ ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू एफ, अगर हम u की जगह u1, क्योंकि लेट किस u किसके इक्वल है u1 u2 के, और v किसके इक्वल है v1 v2 के, u की जगह हम लोग u1 u2 लगा देंगे प्लस v की जगह v1 और v2 लगाएंगे, ठीक है, इनको ऐड करेंगे क्योंकि हम लोगों ने जो सा फंक्शन गिवन है हम लोगों ने उसी शेप में लेके जाना है। तो u1 प्लस v1, u2 प्लस v2, ठीक है, ऊपर जो सा हमारे पास है, एक हमारे पास u, u1 और u2 है, ठीक है, तो हमारे पास u1 स्क्वायर टू u2 स्क्वायर के, अगर मैं ये वाली जो सी टर्म है इस टर्म को मैं u1 लेती हूँ और इस टर्म को मैं u2 लेती हूँ, तो अगर मैं इसमें पुट करती हूँ तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर, u1 हम लोग ले रहे हैं u1 प्लस v1, ठीक है, और 2 ये 2 आ जाएगा, u2 क्या ले रही हूँ, u2 प्लस v ऑफ 2 के, ये कंडीशंस तो हमारी सेटिस्फाई होगी क्योंकि ये फॉर्म किस तरह लिखी जा सकती है। नेक्स्ट जो सी कंडीशन है वो किस तरह है कि हमारे पास मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, राइट हैंड साइड क्या है, एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी के इक्वल, एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी, एफ ऑफ यू किसके इक्वल है, यू वन स्क्वायर टू यू टू प्लस वी, एफ ऑफ वी किसके इक्वल है, वी वन स्क्वायर टू वी टू, इन दोनों को कंपेयर प्लस करके लिखा है, तो यू वन स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर टू u2 प्लस v2, क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है मैम? ऊपर वाली जगह पे समझ नहीं आई, जो आपने लेफ्ट हैंड साइड कराई है ना आखिर में, इसमें थोड़ी सी ना समझ नहीं है। हम लोगों ने यही फंक्शन यूज करना है, हम लोगों ने ये फंक्शंस यूज करने हैं। अब मैंने अगर u को मैं लेट कर रही हूँ u1 u2 से और v को लेट कर रही हूँ v1 v2 से, क्योंकि हमारे पास टू वेक्टर होने चाहिए, ठीक है, u की जगह मैंने लिखा है u1 u2, और u की जगह मैंने लिखा है u1 u2 और v की जगह पर लिखा है v1 v2, ठीक है, अब मैं इसको प्लस कर देती हूँ, यानी u1 को प्लस किया v1 के साथ और u2 को प्लस किया v2 के साथ, वो ये चीज फॉर्म लिखेगी, ठीक है, अगर मैं इसकी यहाँ फॉर्म में ये वाली चीज लिखती हूँ, ये f नहीं है, फंक्शन नहीं है इसमें, ठीक है, तो अब देखो ना यहाँ f है तो u1 u2 लिखा गया, वो किसके इक्वल है, u1 स्क्वायर टू u2 के, ये वाली जो सी टर्म है वो u1 है, u1 है और ये जो सी टर्म है वो है u2, ठीक है, अब यहाँ जो सा है वो u1 स्क्वायर है तो u क्या है हमारे पास, u1 प्लस v1 उसका स्क्वायर लिखती है, वो ये चीज लिखती है, U, यहाँ U2 है तो इसके साथ है 2, पहले 2 लिखेंगे फिर क्या होगा U2 plus V2 के। मैम ये स्केल आया कैसे? ये फंक्शन गिवन है।
ये फंक्शन गिवन है, तो हमारे पास जो भी फंक्शंस गिवन होगा हम लोगों ने उसी उसी शेप में, कोई भी हम लोगों ने वेक्टर यूज करके उसी शेप में लेके आना फंक्शन, ये गिवन है ना ऊपर, ये फंक्शन गिवन है ऊपर, एफ ऑफ यू वन यू टू इज इक्वल टू यू वन स्क्वायर टू यू टू के, ये फंक्शन गिवन है। अगर फंक्शन गिवन ना ओके होते मैम, तो हम लोग सेम प्रॉपर्टी लगाते और इसी तरह सॉल्व कर देते। यहाँ फंक्शन गिवन है तो हम लोगों ने इसी फंक्शन को देख के हम लोगों ने प्रॉपर्टी प्रूव कर ली। अब हमारे पास अगर ये फंक्शन गिवन है, उसी तरह हम लोगों ने पीछे एग्जांपल में भी सॉल्व किया है, यहाँ हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू ए ऑफ यू, तो हम लोगों ने ए ऑफ यू को ही लेके एफ ऑफ यू प्लस वी को एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी के इक्वल लेके आए थे। जो फंक्शन गिवन होगा उसी को हम लोगों ने सॉल्व करना है। अगर फंक्शन नहीं गिवन होता तो फिर हम लोग ऐसे ही उसकी स्टेटमेंट लिखते थे। ठीक है, अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ये फंक्शन नहीं लिखना, u1 प्लस v, लेफ्ट हैंड साइड किसके, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, u1 प्लस v1 स्क्वायर टू u2 प्लस v2। ठीक है, और राइट हैंड साइड हम लोगों ने लिया, उसका आंसर आया था u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर टू u2 प्लस v2, यानी डिफरेंट हो गया। किस तरह डिफरेंट हुआ, क्योंकि वहां क्या था होल स्क्वायर है और यहाँ क्या है वेक्टर पर स्क्वायर मौजूद है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया, नॉट इक्वल आ गया। अगर तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जा, होल स्क्वायर आ जाता तो फिर, और टू ऑफ यू टू प्लस वी टू वो तो दोनों सेम है, सिर्फ एक के ऊपर होल स्क्वायर है और एक के ऊपर क्या है स्क्वायर है। ठीक है, तो फिर इसकी वजह से क्या हो गया कि ये दोनों फंक्शन जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। जब एक कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो दूसरी कंडीशन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दूसरी कंडीशन भी सॉल्व कर देते हो आप लोग तो इस कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो भी क्या होता है फंक्शन यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं वो है। नेक्स्ट हमारे पास है कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लेट टी यू अप्रोच टू वी बी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द सबसेट ऑफ यू कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वेक्टर दैट टी मैप्स ऑन टू दी ऑन टू मैपिंग है ऑन जीरो वेक्टर ऑफ वी इज कॉल्ड द नल स्पेस, इसको नल स्पेस भी कहा जाता है, कर्नल स्पेस भी कहा जाता है, इट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ टी। एन ऑफ टी का अगर हम लोग सेट बनाते हैं वो क्या है, ये कि यू बिलोंग्स टू यू, क्योंकि u अगर मैपिंग हमारी u से v तक हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो सा u होगा वो u में से ही लेंगे, उसका एलिमेंट u में से लेंगे, t of u is equal to zero। अगर हमारी मैपिंग फॉर एग्जांपल अगर हमारी मैपिंग x और y होता, यानी t तो रहता क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस वजह से t याद है, x और y है, यानी t की जगह भी अगर w लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल w है। ठीक है, तो उसका जो सा नल ऑफ स्पेस है यानी कर्नल ट्रांसफॉर्मेशन एन ऑफ डब्ल्यू लिखेंगे, अगर हमारी मैपिंग डब्ल्यू फॉर एग्जांपल डब्ल्यू है, टी की जगह डब्ल्यू तो एन ऑफ डब्ल्यू लिखेंगे। ठीक है, और अगर यू से यहाँ वी तक मैपिंग है या फिर एक्स से वाई तक कर देती हूँ, ठीक है, तो टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि x जो सा है वो बिलोंग्स करेगा x से, यहाँ u है तो u बिलोंग्स कर रहा है u से। रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि कोई भी सबसेट लेते हैं ऑफ v कंसीडरिंग ऑफ ऑल फंक्शंस वैल्यूज ऑफ t इज कॉल्ड द रेंज ऑफ t। रेंज ऑफ t क्या होता है कि रेंज ऑफ t की जो सा सेट लिखा जाता है वो v बिलोंग्स टू v, देयर एग्जिस्ट u बिलोंग्स टू u विद T of u is equal, यहाँ equal नहीं लिखा गया तो equal आप लोग लिख लेना, equal is equal to v। यहाँ equal आता है, is equal to v, T of u is equal to v। ये definitions इसी तरह ही याद करनी है क्योंकि इसमें changes नहीं कर सकते हम लोग।
एन और नल ऑफ स्पेस क्या होता है, नल ऑफ स्पेस क्या होगा, ठीक है, टी ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ठीक है, कोई भी वेक्टर लो उसकी मैपिंग जब करेंगे तो वो इक्वल टू जीरो आना चाहिए, और रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या होता है कि टी ऑफ यू इज इक्वल टू वी के इक्वल आना चाहिए. एग्जाम्पल है, लेट ए बी द मैट्रिक्स, ए कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड लेट यू इज इक्वल टू कोई कॉलम मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, डिटरमाइन इफ यू बिलोंग्स टू द नल स्पेस, नल स्पेस ऑफ ए. तो हम लोगों ने क्या करना था, नल स्पेस के लिए ये एग्जाम्पल सेट किया था कि कौन सी कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कि उसकी कोई भी मैपिंग वो यू से मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ठीक है. एग्जाम्पल में यू कोई भी कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, और टी जो कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया और उसके जो से आंसर आया वो जीरो जीरो आ गया. तो ये कि हम लोगों ने क्या किया, दस यू इज इन नल ऑफ ए, ठीक है, इसको नल स्पेस भी कहा जाता है, कर्नल स्पेस भी कहा जाता है. थ्योरम है कि लेट टी यू अप्रोच टू वी, वी इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन आर ऑफ टी, यानी आर ऑफ टी को के से डिनोट किया जाता है रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इज अ सबस्पेस ऑफ वी, कि क्या ये सबस्पेस है वी का, और एन ऑफ टी क्या होता है, कर्नल ऑफ टी, इसको नल ऑफ टी भी कहा जाता है, इज द सबस्पेस ऑफ यू, ये प्रूव करना, ठीक है, और ये जो सी मैपिंग है वो कौन सी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. तो फिर हम लोगों ने क्या करना है कि वी वन वी टू कोई भी वेक्टर लेने हैं आर ऑफ टी से, ठीक है, एंड ए और बी भी स्केलर लेने हैं, सिंस वी वन वी टू बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ टी, के जो से बिलोंग्स करते हैं वी वन और वी टू वो रेंज ऑफ टी है, क्योंकि आर ऑफ टी से लिए है ना, तो इस वजह से वो रेंज ऑफ टी है. देयर एग्जिस्ट यू वन यू टू बिलोंग्स टू यू such that t of u1 is equal to v1. रेंज ऑफ t की हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ी थी और डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्या होते हैं कि t of u is equal to v. तो यहाँ हमारे पास टू वैक्टर्स हैं, तो हम लोगों ने t u1 is equal to v1, t u2 is equal to v of t के इक्वल लिखा, v of 2 के इक्वल लिखा, ठीक है. फिर हमारे पास क्या था कि, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्केलर भी थे, ए ए वन यू वन प्लस बी यू टू इज बिलोंग्स टू यू, ठीक है, जो हमारे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो हम बिलोंग्स कर रहे हैं यू से, सिंस यू इज अ वेक्टर स्पेस, एंड ए ऑफ वी वन प्लस बी ऑफ वी टू इज इक्वल टू ए, वी वन की जगह हमारे पास क्या था ऊपर टी ऑफ यू वन, ठीक है, वो कंडीशन लिखी, प्लस बी T of V2 की जगह हमारे पास क्या थे T of U2, वो हम लोगों ने लिखा, ठीक है, T कॉमन ले लिया, A U1 plus A B U2. Since T is linear, क्योंकि ये linear हो गया है, thus A V1 plus B V2 belongs करता है R of T से, क्योंकि हमारे पास क्या था v belongs to v, there exist u belongs to u, such that t of u is equal to v के इक्वल, हम लोगों ने यही प्रूव करना था रेंज ऑफ t में. आगे हमारे पास सेकंड क्या था, n of t is the subspace of u, तो u को सबस्पेस करना है, तो हमारे पास u1 और u2 प्लॉन्स करने चाहिए n of t से, null of transformation से, ठीक है, दो स्केलर लिए, सिंस t of u1 is equal to zero, जबकि हम लोगों ने null of transformation पढ़ा है कि n of t is equal to u belongs to u, t of u is equal to zero. ये definition हम लोगों ने पढ़ी है, तो वही definition हम लोगों ने दिया, अगर हम लोग two null of space ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, t of u1 is equal to zero, t of u2 is equal to zero. We have linear transformation करना है, तो हमारे पास definition fulfill होनी चाहिए,
ए टी ऑफ ए यू वन प्लस बी ऑफ यू टू इज इक्वल टू ए टी यू वन प्लस बी टी यू टू. टी ऑफ यू वन किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, और टी ऑफ यू टू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल. ये चीजें लिखेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, बी को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो. ठीक है, तो यही है कि जो सा हमारे पास ये मल्टीप्लाई एडिशन किया हुआ है, ठीक है, ए ऑफ यू वन प्लस बी ऑफ यू टू, वो बिलोंग्स कर जाएगा नल ऑफ टी से. तो नल ऑफ टी इज द सबस्पेस ऑफ यू. मुझे लगता है कि नहीं समझ आई, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करती हूँ. देखो हमारे पास क्या था, R of T is the subspace of V, ठीक है, हम लोगों ने सबस्पेस किसके लेने हैं, V के. तो हम लोगों ने एलिमेंट जो वेक्टर भी लेने हैं वो भी V से ही लेने हैं, ठीक है. और R of T रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, डेफिनेशन उसकी, T of U is equal to V के इक्वल होना चाहिए, जो हम लोगों ने सेट पढ़ा था, ठीक है. अब T of U हम लोगों ने V के इक्वल ही लेने हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन करके देख लेंगे जो हमारा स्केल है. जहन में रखो कि R of T रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसके इक्वल होता है, R of T of U is equal to V के इक्वल. अब यहाँ सबस्पेस किसका लिया गया है, V का, तो इस वजह से V1 और V2 लिया. अगर यहाँ सबस्पेस होता है U का तो हम लोग U1 U2 लेते हैं, यहाँ सबस्पेस है किसका, V का, तो V1 V2 ले लिया. दो स्केलर ले लिए और उन्होंने कहा है कि v1 v2 किसके इक्वल है, रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. देयर एग्जिस्ट u1 u2 बिलोंग्स करता है u से. क्यों u1 u2 लिया, क्योंकि हम लोगों ने दो वेक्टर v1 v2 लिया, इस वजह से हम लोगों ने u भी टू टाइम लेना है, टू u1 और u2. अब हम लोगों ने डेफिनेशन करना r ऑफ t की पढ़ी है कि वो किसके आया, t ऑफ u इज इक्वल टू v. यहाँ हम लोग v1 v2 ले रहे हैं, तो हमारे पास t of u1 is equal to v1 के इक्वल होना चाहिए. सेकंड, क्योंकि दो दो हम लोग वेक्टर ले रहे हैं तो दो ही कंडीशन बननी चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए, t of u2 is equal to v of t, v of 2 के. यहाँ तक अगर किसी को कुछ मसला है, यानी समझ ना आई हो यहाँ तक. No, man. ठीक है, अब मैं दोनों को एक साथ लेके चलती हूँ, ठीक है. अब यहाँ तक तो मैंने लिख दिया है रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की. अब नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है, टी ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. इधर सबस्पेस किसके इक्वल होगा, यू का, तो हम लोगों ने यू वन, यहाँ वी वन वी टू लिया था. नल ऑफ टी में क्या करेंगे, यू वन यू टू बिलोंग्स करेगा, बिलोंग्स करता है एन ऑफ टी से, ठीक है. फिर हम लोगों ने दोनों स्केलर लिए, ठीक है, और यहाँ कंडीशन क्या लगानी है, ये तो हमारी रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की लिखी है ना. नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की क्या होगी, टी ऑफ यू वन इज इक्वल टू जीरो, टी ऑफ यू टू इज इक्वल टू जीरो. सेकंड में हम लोगों ने क्या किया था कि अब हमारे पास जो सा यू वन टी ऑफ यू टू है, इसको यूज करना है, ठीक है. तो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन, यानी यहाँ टी आना था, ए ऑफ वी वन प्लस बी ऑफ वी टू, यानी अगर ना भी लगाते हो तो हमारे पास ए ऑफ वी वन प्लस बी ऑफ वी टू लिखते हैं, इज इक्वल टू ए, स्केलर तो वैसे ही रहेगा. यू वी वन की जगह यहाँ क्या है, टी ऑफ यू वन, वो लिखा, प्लस बी, वी टू की जगह हम लोगों ने लिखी टी ऑफ यू टू, ठीक है. तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया, टी कॉमन ले लेंगे तो T is linear, क्योंकि linear किस तरह हुआ है, T of U A U1 plus B U2 is equal to A V1 plus B V2 के इक्वल आ गए. तो हमारे पास जो सी ये वाली जो सी मैपिंग है वो बिलोंग्स कर जाएगी R of T से, तो R of T is the subspace of V, ठीक है. आगे नल ऑफ स्पेस में क्या हम लोगों ने किया है कि यहाँ टी ऑफ यू वन इज इक्वल टू जीरो ले रहे थे, टी ऑफ यू टू इज इक्वल टू जीरो ले रहे थे, तो हम लोगों ने मैपिंग करनी है कि टी ए यू वन प्लस बी यू टू इज इक्वल टू, सेपरेट कर दो, टी ऑफ यू वन प्लस बी टी ऑफ यू टू. यहाँ से ऊपर टी यू वन की वैल्यू और टी ऑफ यू टू की वैल्यू लिखनी है, वो आ जाएगा जीरो से. तो इसका मतलब है कि ये जो से हम लोगों ने जो मैपिंग करके देखी है, ये भी क्या बिलोंग्स, क्योंकि वो भी कंडीशन क्या आ जाएगी कि जीरो के इक्वल आ जाएगी.
तो ये जो सी मैपिंग है वो क्या हो जाएगी, एन ऑफ टी, क्योंकि नल ऑफ टी है. सो नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द सबस्पेस ऑफ यू. एक दफा आप लोग खुद करना ना तो समझ आ जाएगी. आगे है वन टू वन इंजेक्टिव फंक्शन. वन टू वन में क्या होता है कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें ही वन टू वन और इंजेक्टिव देखेंगे कि क्या होता है. वन टू वन में ये आता है कि मैपिंग में क्या होता है कि अगर यू वन यू टू बिलोंग्स कर रहे हैं यू से, इफ यू वन इज नॉट इज इक्वल टू यू टू, यानी यू वन की वैल्यू अगर वन ले रहे हैं तो यू टू की वैल्यू वन नहीं हो सकती, यानी एक जैसी नहीं होगी, तो उसकी मैपिंग भी क्या होगी, इक्वल नहीं होगी. ठीक है, अगर ये इसकी एंट्री जो सी होगी वो एलिमेंट जो सी होगी इक्वल हो गए तो उसकी मैपिंग भी क्या होगी, इक्वल, तो वो क्या हो जाएगी, ऑन टू हो जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन इफ आर ऑफ टी इज इक्वल टू वी. ठीक है, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज वन टू वन एंड ऑन टू इज कॉल्ड, सो माफ कीजिए, उसको क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर